जर्नलिस्ट फॉर सोशल रिफॉर्म्स के द्वारा पटना के अयांश के लिए एक अनोखा अभियान शुरू किया गया है। जर्नलिस्ट फॉर सोशल रिफॉर्म्स के निःशुल्क शिक्षा केंद्र पर पढ़ने वाले नन्हे बच्चे आज मुजफ्फरपुर के गली मोहल्ले में लोगों के घर घर जाकर अयांश के लिए डोनेशन मांगेंगे। अयांश को SMA टाइप 1 की घातक बीमारी है। डॉक्टर के मुताबिक इसके इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपये है। इतना बड़ा रकम तब तक जमा नहीं हो पाएगा जब तक एक बड़ा जनसमूह अयांश की मदद के लिए आगे नहीं आएगा। इसी के मद्देनजर जर्नलिस्ट फॉर सोशल रिफॉर्म्स द्वारा मुशहरी मोहन सहनी टोला कन्हौली मुजफ्फरपुर में विगत 3 वर्षों से चलाए जा रहे निःशुल्क शिक्षा केंद्र के छात्र आज से प्रतिदिन मुजफ्फरपुर शहर की गली मोहल्ले में घूमकर लोगों के घर घर जाकर अयांश की बीमारी और उसके महंगे इलाज के बारे में सबको बताएंगे। इसके साथ ही संख्या में पढ़ने वाले बच्चे लोगों से अपील करेंगे कि वो अयांश के बैंक खाते में हर संभव मदद राशि जमा करें। इस पूरे कार्यक्रम को तब तक चलाया जाएगा जब तक अयांश के परिवार वाले ये घोषणा नहीं कर देंगे कि इंजेक्शन के लिए जरूरी राशि उनके पास इकट्ठा हो गई है। आज से चलाए जाने वाले इस अभियान में GSR के छात्र अयांश के बैंक डिटेल संबंधित पर्ची का वितरण करेंगे। इस पूरे अभियान में उनकी संख्या किसी प्रकार का कैश नहीं लेगी। इस कार्यक्रम के तहत लोगों से अयांश के बैंक के खाते में सीधे मदद पहुंचाने की अपील की जाएगी। संख्या लोगों से अपील करेगी कि अयांश की मदद के लिए अधिक से अधिक लोग आगे आए और मदद सीधे अयांश के परिवार द्वारा जारी किए गए बैंक अकाउंट में ही करें। जर्नलिस्ट फॉर सोशल रिफॉर्म से पढ़ने वाले नन्हे बच्चे अयांश की जान की कीमत बखूबी समझते हैं, इसलिए वो आज से अपने नन्हे दोस्त की मदद के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। गौरतलब है कि जर्नलिस्ट फॉर सोशल रिफॉर्म्स मुजफ्फरपुर की एक सामाजिक संस्था है जो कन्हौली के सेवा बस्ती में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती है। उपयुक्त कार्यक्रम के संचालन संस्था के अभिषेक रंजन, उज्ज्वल कुमार, विभाष रत्न और विवेक कुमार के देखरेख में किया जा रहा है। ये वीडियो 15 अगस्त 2021 को बन रहा है, इसलिए मुजफ्फरपुर सहित पूरे देशवासियों को मुजफ्फरपुर नाउ स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है।